हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैमरे के सामने बिल्कुल अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो नए यूट्यूबर जो बनते हैं उनके सामने यही प्रॉब्लम आती है कि हम कैमरे के सामने अच्छे से किस तरीके से बोलें। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यही बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप नए यूट्यूबर, आपको भी कैमरे में सही से बोलना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आप लोग किस तरीके से कैमरे में अच्छे से बोल सकते हैं तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डाल डाल कर थक गए हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरी वीडियो भी फेस स्कैन वीडियो होनी चाहिए, तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद 100% फेस स्कैन वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप वीडियो में, मतलब अगर आप जैसे कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप स्क्रीन में देखते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब होगी। आप कैमरे में कभी भी सही से नहीं बोल पाएंगे। जो आपका जो मोबाइल का कैमरा होता है, जो आप मान लीजिए अगर आपका मोबाइल है फ्रंट कैमरे से बना रहे हैं, तो आपको एक ऊपर को कैमरा दिखेगा। आपको क्या करना है, वो कैमरे के लेंस में देखना है, आपको कहीं भी और नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट कैमरे के लेंस में देखना है। क्योंकि कैमरे के जब लेंस में देखते हैं तो जो हमारा फोकस होता है उससे लगता है कि जो मैं बता रही हूँ वो ऑडियंस की तरफ ही देखकर बता रही हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं स्क्रीन में देखती हूँ तो आप लोग यहीं पर अंदाजा लगा लेना अभी कि कितना अंतर आ जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन में देख रही हूँ और आपको भी लगता होगा कि मैं आपकी तरफ देखकर नहीं बोल रही हूँ। मैं स्क्रीन में देख के बोलूंगी तो आपको यही लगेगा कि मैं किधर और बोल रही हूँ। तो अगर मैं कैमरे में देख के बोलती हूँ तो आपको लगता होगा कि हाँ, मैं आपकी ही तरफ देखकर बोल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इतना डिफरेंट आ जाता है। आपको कैमरे के सामने बोलने में इतनी परेशानी होती है, तो आप लोग ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी 100% वीडियो सही आएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जब आप वीडियो शूट करने के लिए आते हैं तो आप पानी पी के आए, ताकि आपके लिए, मतलब गला आपका ना सूखे, ताकि आप वीडियो में अटके ना। तो आपको मैं बता दूं, सबसे मेन बात यही है कि काफी लोग क्या करते हैं, कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं और झिझक झिझक के बोलते हैं और उनको बोलने में शर्म आती है। तो सबसे पहले आपको अपनी शर्म को इस तरीके से छुटाएंगे कि अगर आपको यूट्यूबर बनना ही है तो आपको कोई भी देखे कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तब भी सभी लोग देखते हैं, इसलिए अगर आपके सामने कोई खड़ा है तब भी आप उसके सामने बोलने की आदत डालें। क्योंकि ये आदत बहुत ही अच्छी आदत बन जाएगी आपकी। क्योंकि अगर मान लीजिए जब मैं पहले वीडियो बनाती थी तो मैं भी सबके सामने सही से नहीं बोल पाती, तो अब क्या है, मतलब अब ये हाल है कि अगर मेरे कोई सामने भी खड़ा रहेगा तब भी मैं अपनी वीडियो को शूट कर लूंगी। इतना एक्सपीरियंस आपके अंदर भी आ जाएगा जब आप वीडियो, फेस कैन वीडियो बनाने लगेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले कैमरे में देखना है, सेकंड आप पानी पी के आइए, और थर्ड जो पॉइंट है वो है, आप किसी के सामने भी घबराएं ना, आप बेझिझक इसमें बोलें। आप ऐसे बोलिए जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कैमरे में बोलते हैं तो हमें ये लगता है काफी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपको ऐसे करना है कि आपकी तरफ मान लीजिए कि कोई है ही नहीं आपके पास में और आप बिल्कुल अकेले में बातें कर रहे हैं, तो आप लोग इतना कर लीजिए और आप ऐसे करके वीडियो बनाइए कि आपकी ऑडियंस ही आपको देख रही है। अगर आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, आप ये सोच के वीडियो बनाएंगे तो आप सबसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं भी जब वीडियो अपनी शूट करती हूँ तो मैं भी ऐसे ही वीडियो शूट करती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरी ऑडियंस ही मुझे देख रही है। और क्योंकि जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो ऑडियंस ही हमारी देखती है हमको, तो इसका क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा कैमरा जो हम वीडियो हम बनाते हैं ना, तो इसमें हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। इस तरीके से आप अपने कैमरे के सामने खूब अच्छे से बोल सकते हैं। और सबसे मेन बात है, अगर आप वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं तो अपना टॉपिक डिसाइड करके आइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, ताकि आप अच्छे से कैमरे के सामने बोल सकें। और आप जैसे टॉपिक डिसाइड करके नहीं आते हैं तो आपको सोचने में टाइम लगता है कि आप टॉपिक कोई सा ही बोलने के लिए आ गए, फिर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर आप अटक अटक के बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑडियंस पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है हमारी वीडियो पर। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना सब कुछ आपको करना है और आप एक बेस्ट तरीके से कैमरे के सामने बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे सही नेक्स्ट वीडियो में।